हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल स्टॉक्स फैक्टर होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैक्रो इंडिकेटर्स एंड देर कोरिलेशन विद निफ्टी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा और द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने रिसेंटली अभी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने अभी अपने डैशबोर्ड में एक नया पेज एड किया है मैक्रो इंडिकेटर्स और अगर आपने उसका टूटोरियल वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आई रिकमेंड यू टू वॉच दै टूटोरियल वीडियो फर्स्ट ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम आ, क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्योंकि उसमें हमने वो मैक्रो इंडिकेटर्स जो अपने डैशबोर्ड में ऐड किए हैं वो समझाए हैं और उसके बाद ये उसका फॉलोअप वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो जो को हमने अपने डैशबोर्ड में उस पेज में दिखाए हैं उन को का रीजन क्या है वट इज द रीजन बिहाइंड दोज को रिलेशन निफ्टी में क्यों राइज आता है जब यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है या फिर यूएसडी आई जब गिरता है और या फिर क्रूड ऑयल का निफ्टी के साथ क्या पॉजिटिव को है तो जो हमने उन चार्ट में दिखाया है हम क्विकली एक बार उनको रिविजिट कर लेते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज आर स्टॉक्स फैक्टर डैशबोर्ड अगर आप इसके लास्ट पेज जो जैसा हमने डिस्कस करा था अभी कि अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स पेज में जाएंगे तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमने चार इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इस डैशबोर्ड के पेज में ऐड किए हैं आप देख सकते हैं कि निफ्टी प्राइस एंड द यूएस डॉलर इंडेक्स को जिसमें हमें हाई नेगेटिव कोरिलेशन दिखता है कि यूएस डॉलर गिरता है और निफ्टी उसके साथ बढ़ता है तो ये हमें कोरिलेशन हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में फिर हमने देखा था कि यूएस डॉलर इंडेक्स और एफ आई इन्फ्लो का क्या कोरिलेशन है कि जब यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है तो एफ इंडियन मार्केट्स में मनी पंप करते हैं तो यानी एफ का आई इनफ्लो आता है इंडियन मार्केट्स में

इमीडिएट इंपैक्ट होता है निफ्टी में क्योंकि जैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है एफ मोर मनी पंप करते हैं इंडियन मार्केट्स में और उसके साथ निफ्टी राइज होता है तो आप यह देख सकते हैं अगर हम लास्ट दो दिन की ही बात करें तो आप देखेंगे कि यूएस डॉलर इंडेक्स गिरा और निफ्टी में एकदम सा स्पाइक आया और सिमिलरली आप देखोगे कि उस स्पाइक का रीजन क्या है क्योंकि एफ ने यहाँ पे आप ये लास्ट के थ्री बार्स देखेंगे एकदम से मनी पंप इन किया तो आपको क्लियरली वो जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते हुए दिखेंगे और आप क्लियरली ये कोरिलेशन बैठा सकते हो कि ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स हम इस वीडियो में उसका रीजन डिस्कस करेंगे मैंने उस वीडियो में बोला था कि हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन क्या है ताकि आप समझ पाए और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे इस ट्रेंड को रिलेट कर पाए कि ऐसा होता क्यों है ताकि आप एक होलिस्टिक पिक्चर अपने माइंड में बना सके तो फ्रेंड्स आइए उसी को डिस्कस करते हैं सो फ्रेंड्स वी आर बैक टू आर स्लाइड्स सो फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अपने डैशबोर्ड में इंडिकेटर्स दिखाए मैक्रो इंडिकेटर्स इस तरह से हमें क्यों देखने को मिलता है कि जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो निफ्टी में राइज आता है या एफ का आई इन्फ्लोस बढ़ता है तो हम स्टार्ट करते हैं विदूजेंड एट सब प्राइम क्राइसिस इन यूएस तो यूएस में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था टू थाउजेंड एट में तो उसके बाद जितने भी सेंट्रल बैंक से हैं वर्ल्ड के स्पेशली द यूएस फेडरल रिजर्व उन्होंने बॉन्ड्स को बाय बैक करना शुरू किया ताकि वो सिस्टम में लिक्विडिटी को पंप कर सके क्योंकि उस समय लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई थी

स्टॉक मार्केट्स में गया और वो पैसा एफ के थ्रू एमर्जिंग मार्केट्स में आया इंडिया में और उसके बाद हमें 2009 के बाद एक बुल मार्केट देखने को मिला और बहुत स्ट्रांग रैली देखने को मिली और फिर अराउंड 2012 और 13 के अराउंड जो अनएंप्लॉयमेंट था यूएस में वो इंप्रूव होने लगा क्योंकि 2008 के बाद बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था तो अनुप्लॉयमेंट इंप्रूव होने लगा और उसके बाद फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और वहां से लिक्विडिटी को स्क्वीज किया यानी लिक्विडिटी को कम किया जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ और उसके बाद फिर से धीरे 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 इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकलने लगा कुछ टाइम बाद और उसके बाद हमें एक 2016 में निफ्टी में फॉल देखने को मिला तो इसको हम ग्राफ्स के जरिए देखते हैं और फिर इसका रिलेशन को हम समझेंगे तो हमें ओवरऑल यह समझना है कि जो जब फेडरल रिजर्व बायबैक करता है बॉन्ड्स को तो क्या होता है कि लिक्विडिटी पंप की जाती है और वो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है जो कि अभी भी हमें 2020 में वही सेम देखने को मिल रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी है बहुत हाई लेवल पे जो मनी प्रिंटिंग हो रहा है और वो मनी जो है स्टॉक मार्केट्स में जा रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ रहा है तो हम इसको ग्राफ से रिलेट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ग्राफ से तो अगर हम डॉलर इंडेक्स के ग्राफ पे जाएंगे आप अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2008 में जो क्राइसिस आया था आप अगर उसको देखेंगे तो यहां पे हमें डॉलर इंडेक्स में एक फॉल देखने को मिला क्योंकि मनी प्रिंटिंग हुआ और उसके बाद डॉलर इंडेक्स को लो ही रखा गया और डॉलर इंडेक्स बहुत लो में ट्रेड करता रहा जिसकी वजह से पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट्स में आया तो अगर आप देखेंगे उसके बाद तो निफ्टी में 2009 में बहुत अच्छा एक राइज देखने को मिला था तो अगर हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो आप यहां जाएंगे और देखेंगे कि उस उस क्राइसिस के बाद निफ्टी निफ्टी ने रैली देना शुरू किया और और वापस से उसी लेवल पे आ गया था और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला है निफ्टी में लगातार और उसके बाद क्या हुआ जैसे मैंने बताया था कि फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया टू थाउजेंड के अराउंड और उसके बाद लिक्विडिटी को धीरे धीरे धीरे, धीरे स्क्वीज करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्योंकि होता क्या है जब इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाने शुरू किए धीरे धीरे अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए तो उसके बाद क्या होता है कि डॉलर स्ट्रांग होने लगता है क्योंकि वो अपने वहां पे डॉलर को स्ट्रांग करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स था वो स्ट्रांग होने लगा आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने लगा और फिफ्टीन सिक्सटीन टू में एकदम हाई पे चला गया था और इसी तरह हमें सेम अगर उसको निफ्टी से कोरिलेट करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी में उसी दौरान जो है निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला था तो आप देखेंगे कि यहां पे 2015 स्टार्टिंग से उन्होंने हमें डॉलर इंडेक्स में राइज देखने को मिला और उसके बाद हमें निफ्टी में ये फॉल आया और उसके बाद फिर डॉलर इंडेक्स थोड़ा कांस्टेंट रहा उसके बाद फिर से वो गिरने लगा और हमें निफ्टी में राइज देखने को मिला और सेम पैटर्न हमें अभी टू में भी ये देखने को मिल रहा है जो हमने अपने डैशबोर्ड में दिखाया है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का रिलेशन निफ्टी से क्या होता है जो कि हमें स्ट्रेट अवे देखने को मिल रहा है कि डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो निफ्टी में राइज आता है क्योंकि एफ जो आईज है वो मोर मनी पंप करते हैं सिस्टम में सो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ग्राफ में देखा तो अगर हम उसको एफ के डेटा से भी रिलेट करने की कोशिश करें कि जैसा मैंने बताया कि एफ जो आईज है वो मनी पंपिंग करते हैं जब जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाती है सिस्टम में तो इमर्जिंग मार्केट्स में जो है पैसा आता है तो जैसा कि हमने देखा कि 2013 तो अगर हम एफ के डेटा को देखें तो यहां पे आप देखेंगे कि 2012 के बाद 2013 में एफ ने कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट्स में मनी पंप किया है थोड़ा बहुत वो पुलिंग करते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग देयर पोर्टफोलियो लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग करी है और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 2015 थाउजेंड फिफ्टीन में जो फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए उसका इफेक्ट हमें 2015 में देखने को मिला और डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा तो आप देखेंगे कि एफ ने मनी पुल करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट से और टू मार्च तक उन्होंने पुल किया क्योंकि पूरे एक साल तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहा उसके बाद जब डॉलर इंडेक्स सेटल हुआ और एक रेंज में कॉन्सोलिडेट करने लगा तो एफआईआई ने फिर से मनी पंपिंग करने शुरू कर दी इंडियन मार्केट्स में तो और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो जैसा कि हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स क्यों गिरता है और इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा क्यों आता है तो डॉलर इंडेक्स का क्या रिलेशन उसको कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अराउंड टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड थर्टीन अन इम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन यूएस तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला कि फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किया टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टी के बाद और उसके बाद क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स इंप्रूव होने लगा तो ऐसा क्यों हुआ तो so फ्रेंड्स आपको यह पॉइंट इम्पोर्टेंट समझना बहुत जरूरी है कि फेड जो भी अपना डिसीजन लेता है अपनी पॉलिसी में चेंजेस करता है वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को लेकर करता है तो so जो भी जो फैक्टर्स ड्रिवन होते हैं वो अनइंप्लॉयमेंट से होते हैं तो अनइंप्लॉयमेंट इज द मेजर इंडिकेटर ड्यू टू विच द फैट चेंजेस इट्स पॉलिसीज और भी कई फैक्टर्स होते हैं लेकिन अनइंप्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है जो फेड अपनी पॉलिसी चेंजेस के दौरान इसको कंसिडर करता है तो जब अनुप्लॉयमेंट इंप्रूव होने लगा तो फेड ने लिक्विडिटी डिक को स्क्वीज कर दिया और स्क्वीज करा तो इमरजिंग मार्केट से पैसा जाने लगा डॉलर स्ट्रॉग होने लगा और लोगों ने डॉलर को बाय बैक करना शुरू किया क्योंकि डॉलर में मनी पंप होता है क्योंकि डॉलर एक जो है सेफ हेवन की तरह माना जाता है गोल्ड की तरह तो हमें डॉलर में वापिस से जब उन्होंने लिक्विडिटी स्क्वीज करी तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा जाने लगा जो कि हमने देखा था कि 2015 में इमर्जिंग मार्केट से पैसा वापस जा रहा था तो फ्रेंड्स अनइंप्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है डॉलर इंडेक्स के साथ यानी एक्सचेंज रेट के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं तो अनइंप्लॉयमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है और इन्फ्लेशन जो है वो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है तो आप अगर कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो अनइंप्लॉयमेंट लीड्स टू द फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन लीड्स टू द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे इस ग्राफ में हमने 1980 से हिस्टोरिकल ट्रेंड प्लॉट किया अनइंप्लॉयमेंट का और आप देखेंगे कि जब जब अनुप्लॉयमेंट लो हुआ है उसके एकदम एक दो सालों बाद आपको रिसेशन देखने को मिला है और एकदम से अनएंप्लॉयमेंट हाई हो गया है तो आप यहां पे, भी देखेंगे कि 2008 में एकदम पे था और उसके बाद एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट में स्पाइक आया और हमें रिसेशन देखने को मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुआ क्योंकि जो क्राइसिस वहां पे आया था सब ट्राइम जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से हाई हुआ और रिसेशन मार्केट में आ गया था सो फ्रेंड्स अनुप्लॉयमेंट किस तरह से अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन को उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सो so फ्रेंड्स जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है तो यानी इकोनॉमी बूम पे है आप यह समझिए कि इकोनॉमी बूम कर रही है क्योंकि जो है लोगों को बहुत अच्छे वेजेस मिल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट लो है और लोग स्विच कर रहे हैं कंपनीज टू कंपनीज अपने वेजेस को इंक्रीज करने के लिए और कंपनीज भी जो है वो पे करने को तैयार हैं उनको इंप्लॉयज uh, को अपनी कंपनीज में हायर करने के लिए सो फ्रेंड्स उससे होता है क्या है कि धीरे धीरे वेजेस बढ़ रहे हैं और कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है अगर कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ाएगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इस तरह से जो है लो अन लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन और हमें इन्फ्लेशन जब बढ़ता हुआ रहता है तो क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वहां पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं डॉलर इंडेक्स में गिरावट भी आती है और उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में जो है वो पैसा हमें इनफ्लो देखने को भी मिलता है तो लो अन जब आता है तो वो इस तरह से इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है और इन्फ्लेशन से आपको जो है एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन मेजर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो इफेक्ट करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सो so फ्रेंड्स इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दो पेपर्स के लिंक शेयर किए हैं द फर्स्ट वॉच द एनालिसिस डन बाय वन ऑफ दी आई आई टी प्रोफेसर और उन्होंने अपना पूरा एक पेपर पब्लिश किया है इस पेपर का इस पेपर का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें आप पूरा समझ सकते हैं कि यूएस डॉलर किस तरह से इफेक्ट होता है और उससे एक्सचेंज रेट में क्या मूवमेंट्स आते हैं तो आप ये आ, ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया है स्पेशली आप इंट्रोडक्शन सेक्शन और कंक्लूजन सेक्शन पढ़ सकते हैं जिसमें आपको काफी हद तक के कोर रिलेशन देखने को मिलेगा और आपको सम, समझ में आएगा कि किस तरह से जो है एक्सचेंज रेट में मूवमेंट आता है और जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है वो इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को तो एक सेकेंड लिंक है जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है आप देख सकते हैं कि यमेंट का जो इफेक्ट होता है वो इन्फ्लेशन पे क्या होता है और इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो डॉलर एक्सचेंज रेट में क्या होता है तो ये दोनों लिंक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे ये समझने में कि जो है जो भी हमने अभी डिस्कस किया है आप उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमने अपनी एनालिसिस आपको पूरी बता दी है उसका बैकग्राउंड पूरा दे दिया है आप अपनी नॉलेज के लिए इन दो पेपर्स को रेफर कर सकते हैं बट ओवरऑल जो हमने अपने डैशबोर्ड में दिखाया है वो फाइनल क्रक्स है और उन इंडिकेटर्स को आपको फॉलो करना है अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए आपको डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना है और उसका को निफ्टी के साथ ट्रैक करना है friends, अब आगे बढ़ते हैं और अब तो कि इन्फ्लो जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा है तो आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे दिखाया कि मनी सप्लाई जो रिसेशन में जो मनी सप्लाई था वो किस तरह से चेंज ओवर आप देखेंगे 2020 में ये ग्राफ हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए इस समय 2020 में अनप्रीसिडेंटेड लेवल की लिक्विडिटी है इतनी liquidity markets में आज तक नहीं हुई है आप देख सकते हैं कि मनी सप्लाई का जो पॉइंट है जो पीक है वो कहां तक है और ऐसा 1985 से आज तक नहीं हुआ है तो इतना मनी प्रिंट हुआ है और वो स्टॉक मार्केट्स में आया है और आप देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल रहा है अब फ्रेंड्स ये एक ग्राफ है जो मैंने आपको जैसे बोला कि एफ आई आईस का इनफ्लो जो है निफ्टी के साथ कोरिलेट करता है तो वो कोरिलेशन दिखाने के लिए ये ग्राफ हमने यहाँ पे अपनी स्लाइड में ऐड किया है तो आप देख सकते हैं कि जब जब FIIs ने किया तो मेजर जो जो निफ्टी में में रैली आई है अभी जो लास्ट मंथ uh, month, मंथ्स वो आप देख सकते हैं एफ आई आई के डेटा से बहुत रिलेट कर रही है जैसा कि हमने उसका इफेक्ट भी देखा था तो आप ये देख सकते हैं कि एफ आई आईस का इनफ्लो आया जब भी आउटफ्लो हो रहा है तो निफ्टी फॉल हो रहा है और जहां पे हमें ऐसा देखने को मिला एफ निफ्टी में राइज आया लेकिन एफ ने आउटफ्लो किया तो वहां पे उस पॉइंट से रिटेल इन्वेस्टर्स जो जो भी मार्केट में नए हैं उन्होंने बाइंग करनी शुरू की थी लेकिन उसके बाद एफ मार्केट में आगे थे और एफ ने बहुत स्ट्रांग बाइंग की है और आप देख सकते हैं कि हाई कोरिलेशन है एफ का सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि एफ का इन्फ्लो ही निफ्टी के साथ आपको बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन देखने को मिलेगा कि जब जब वो मनी पंप करेंगे हमें निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं नवंबर के बाद तो नवंबर दिसंबर में कंटिन्यूसली जो है एफ ने मनी पंप किया है और निफ्टी में कितना स्ट्रांग राइज आया है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम देखेंगे कि हमें क्या लेसन हमने लर्न किए जो भी हिस्टोरिकल डेटा हमने एनालाइज किया और आगे किस तरह से हमें उन इंडिकेटर्स को वॉच करना है तो आप देखेंगे कि हमने ये समझने की कोशिश करी कि यूएस डॉलर का इंडेक्स जो है वो नेगेटिव निफ्टी के साथ जो कि हमने अपने डैशबोर्ड में भी दिखाया है इन्फ्लेशन तो इंडिया मेंसेंट है और यूएस फेड का जो टारगेट है वो लेस देन टू पॉइंट फाइव परसेंट है जो इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन करके चलना चाहते हैं और फिर हमने देखा कि आ, और फिर हमने देखा कि यूएसडी टू आई जो कन्वर्जन रेट है उसका नेगेटिव कोरिलेशन है निफ्टी के साथ क्योंकि ऑब्वियसली अगर डॉलर इंडेक्स का नेगेटिव कोरिलेशन है तो यूएसडी आईनर का भी नेगेटिव कोरिलेशन होगा जो कि हमने अपने डैशबोर्ड में भी दिखाया है जो थर्ड ग्राफ है उस पेज का मैक्रो इंडिकेटर्स का उसमें हमने देखा है कि यूएसडी आई का जो रेट अगर, है अगर रुपी स्ट्रांग होता है तो इंडियन मार्केट्स में भी पैसा आता है वो हमें देखने को मिला और इसी तरह क्रूड ऑयल का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव को है निफ्टी के साथ जो कि फोर्थ ग्राफ है उसी पेज का माइक्रो इंडिकेटर्स का जिसमें क्रूड ऑयल का रिलेशन दिखाया है निफ्टी के साथ सो so फ्रेंड्स ये ये चार इंडिकेटर्स हैं हमारे डैशबोर्ड में जो फाइनल क्रक्स है पूरी जो हमने आज डिस्कशन किया है इस वीडियो में कि किस तरह से हमने समझने की कोशिश करी कि क्यों डॉलर इंडेक्स चेंज होता है किस तरह से चेंज होता है और उसका इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट्स में कैसा होता है और एफ के इनफ्लो किस तरह से उस हिसाब से चेंज होते हैं सो फ्रेंड्स आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आप समझ पाए हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो को लेके या जो मैक्रो इंडिकेटर्स जो हमने ऐड किए उसको लेके तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ डेली मार्केट एनालिसिस वीकली मार्केट एनालिसिस एंड द डेरिवेटिव एनालिसिस टूटोरियल पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं ताकि आप उन वीडियोस को देख के अच्छी इंसाइट्स ले सके और इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस ले सके सो फ्रेंड्स सी यू इन अनदर वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय